अमीषा पटेल ने गदर टू डायरेक्टर पर लगाए आरोप, बोली नहीं दिए गए क्रू मेंबर्स को पैसे, यहां तक कि खाने रहने तक का खर्चा भी नहीं दिया गया। अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। इस बीच शनिवार को फिल्म का स्पॉइलर देने के बाद अब अमीषा ने रविवार को डायरेक्टर अनिल शर्मा के खिलाफ ट्वीट करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म के सेट पर अनिल का मैनेजमेंट ठीक नहीं था, साथ ही उन्होंने अभी तक कई क्रू मेंबर्स को पैसे भी नहीं दिए हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने जी स्टूडियो को बीच में आकर मैनेजमेंट में बेहतर बनाने के लिए शुक्रिया कहा। अमीषा ने अनिल पर लगाए आरोप, कहा क्रू मेंबर्स को नहीं दिए पैसे। अमीषा ने दावा किया कि अनिल शर्मा और उसके प्रोडक्शन हाउस ने चंडीगढ़ में गदर 2 की शूटिंग के दौरान बहुत बुरा मैनेजमेंट रखा। ट्वीट में उन्होंने कहा, फैंस की जानकारी के लिए अनिल शर्मा प्रोडक्शन के बारे में ऐसी कई घटनाएं जो गदर 2 के अंतिम शेड्यूल के दौरान घटी। लोगों के कुछ सवाल थे कि कई टेक्नीशियन, मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को डायरेक्टर और उनकी प्रोडक्शन कंपनी से उनका पूरा पैसा नहीं मिला था, और यह बात बिल्कुल सच है। जी स्टूडियो की तारीफ करते हुए अमीषा ने कहा, जी स्टूडियो ने बड़ा कदम उठाया और सभी लोगों का बकाया पैसा वापस किया, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल कंपनी है। प्रोडक्शन कंपनी ने रहने से लेकर खाने तक का भुगतान नहीं किया। अमीषा ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, प्रोडक्शन कंपनी की एक तरफ से रहने की जगह से लेकर आखिरी दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक जाने और खाने के बिल तक का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा कुछ कास्ट और क्रू मेंबर्स को कार तक नहीं मिली थी, जिस कारण वो चंडीगढ़ में काफी परेशान हुए। तब जी स्टूडियोज ने बीच में आकर अनिल शर्मा की परेशानियों का सॉल्यूशन निकाला। अमीषा ने जी स्टूडियो को कहा शुक्रिया, बोली अनिल ठीक से काम नहीं कर पाए। अमीषा पटेल ने आखिर में जी स्टूडियो का शुक्रिया करते हुए लिखा, फिल्म से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं कि गदर 2 का प्रोडक्शन अनिल शर्मा कर रहे हैं, जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन जी स्टूडियोज ने हमेशा स्थिति को संभाला। खास तौर पर शारिक पटेल, नीरज जोशी, कबीर घोष और निश्चिंत तौर पर शुक्रिया कहना चाहूंगी। गदर 2 से जुड़े नाना पाटेकर फिल्म में देंगे अपनी आवाज। आइकॉनिक एक्टर नाना पाटेकर गदर 2 की कास्ट में जुड़ गए हैं। हालांकि नाना पाटेकर फिल्म में ऑन स्क्रीन नजर नहीं आएंगे, वो फिल्म में वॉइस ओवर करेंगे। एक्टर इस बार लेट एक्टर ओम पुरी की जगह फिल्म में अपनी आवाज देंगे। नाना पाटेकर फिल्म की शुरुआत में ही ऑडियंस को अपनी आवाज में फिल्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिटिक करण आदर्श ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि ओम पुरी के लिए गदर के फर्स्ट पार्ट में वॉइस ओवर किया था। 22 साल बाद रिलीज हो रही है फिल्म का दूसरा पार्ट। गदर 2 की कहानी 1971 में हुए पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है। पाकिस्तान के लाहौर में तारा सिंह की झलक देखने को मिलती है। इस बार फिल्म में तारा का इमोशनल साइड भी देखने को मिलेगा। टीजर में तारा सिंह शमशान में बैठे रोते दिखाई दिए थे। टीजर के बाद से फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। अमीषा पटेल ने गदर 2 डायरेक्टर पर लगाए आरोप, बोली नहीं दिए गए क्रू मेंबर्स को पैसे, यहां तक कि खाने रहने तक का खर्चा भी नहीं दिया गया। अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। इस बीच शनिवार को फिल्म का स्पॉइलर देने के बाद अब अमीषा ने रविवार को डायरेक्टर अनिल शर्मा के खिलाफ ट्वीट करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म के सेट पर अनिल का मैनेजमेंट ठीक नहीं था, साथ ही उन्होंने अभी तक कई क्रू मेंबर्स को पैसे भी नहीं दिए हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने जी स्टूडियो को बीच में आकर मैनेजमेंट में बेहतर बनाने के लिए शुक्रिया कहा। अमीषा ने अनिल पर लगाए आरोप, कहा क्रू मेंबर्स को नहीं दिए पैसे। अमीषा ने दावा किया कि अनिल शर्मा और उसके प्रोडक्शन हाउस ने चंडीगढ़ में गदर 2 की शूटिंग के दौरान बहुत बुरा मैनेजमेंट रखा। ट्वीट में उन्होंने कहा, फैंस की जानकारी के लिए अनिल शर्मा प्रोडक्शन के बारे में ऐसी कई घटनाएं जो गदर 2 के अंतिम शेड्यूल के दौरान घटी। लोगों के कुछ सवाल थे कि कई टेक्नीशियन, मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को डायरेक्टर और उनकी प्रोडक्शन कंपनी से उनका पूरा पैसा नहीं मिला था, और यह बात बिल्कुल सच है। जी स्टूडियो की तारीफ करते हुए अमीषा ने कहा, जी स्टूडियो ने बड़ा कदम उठाया और सभी लोगों का बकाया पैसा वापस किया, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल कंपनी है। प्रोडक्शन कंपनी ने रहने से लेकर खाने तक का भुगतान नहीं किया। अमीषा ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, प्रोडक्शन कंपनी की एक तरफ से रहने की जगह से लेकर आखिरी दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक जाने और खाने के बिल तक का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा कुछ कास्ट और क्रू मेंबर्स को कार तक नहीं मिली थी, जिस कारण वो चंडीगढ़ में काफी परेशान हुए। तब जी स्टूडियोज ने बीच में आकर अनिल शर्मा की परेशानियों का सॉल्यूशन निकाला। अमीषा ने जी स्टूडियो को कहा शुक्रिया,
बोली, अनिल ठीक से काम नहीं कर पाए। अमीषा पटेल ने आखिर में जी स्टूडियो का शुक्रिया करते हुए लिखा, फिल्म से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं कि गदर 2 का प्रोडक्शन अनिल शर्मा कर रहे हैं, जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन जी स्टूडियोज ने हमेशा स्थिति को संभाला। खास तौर पर शारिक पटेल, नीरज जोशी, कबीर घोष और निश्चिंत तौर पर शुक्रिया कहना चाहूंगी। गदर 2 से जुड़े नाना पाटेकर फिल्म में देंगे अपनी आवाज। आइकॉनिक एक्टर नाना पाटेकर गदर 2 की कास्ट में जुड़ गए हैं। हालांकि नाना पाटेकर फिल्म में ऑन स्क्रीन नजर नहीं आएंगे, वो फिल्म में वॉइस ओवर करेंगे। एक्टर इस बार लेट एक्टर ओम पुरी की जगह फिल्म में अपनी आवाज देंगे। नाना पाटेकर फिल्म की शुरुआत में ही ऑडियंस को अपनी आवाज में फिल्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिटिक करण आदर्श ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि ओम पुरी के लिए गदर के फर्स्ट पार्ट में वॉइस ओवर किया था। 22 साल बाद रिलीज हो रही है फिल्म का दूसरा पार्ट। गदर 2 की कहानी 1971 में हुए पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है। पाकिस्तान के लाहौर में तारा सिंह की झलक देखने को मिलती है। इस बार फिल्म में तारा का इमोशनल साइड भी देखने को मिलेगा। टीजर में तारा सिंह शमशान में बैठे रोते दिखाई दिए थे। टीजर के बाद से फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है।